फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूनम और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाले ब्यूटीफुल से लहंगे का रिव्यू। सो, ये लहंगा मैंने अपने प्यारे सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे परचेज किया था। सो, चलिए हम देख लेते हैं कि लहंगे का क्वालिटी हमें कैसा रिसीव हुआ है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना है ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। सो, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो, लहंगा कुछ इस तरह से रिसीव होता है हमें, मरून कलर में है और जैसा इमेज में दिखाया था एज इट इज मुझे वैसा ही रिसीव हुआ है। सो, यहाँ पे हमें तीन चीज़ें मिलती है, सेमी स्टिच लहंगा, अनस्टिच ब्लाउज पीस और एक दुपट्टा। सो, वन बाय वन करके हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। सो, ब्लाउज पीस हमें कुछ इस तरह से दो पार्ट में रिसीव होते हैं। फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से है, ब्लाउज पीस हमें मरून कलर में मिलता है, ये हम आगे की ओर यूज़ कर सकते हैं और ये साइड हम स्लीव्स के पास यूज़ कर सकते हैं। सो, बैक साइड के लिए हमें कुछ इस तरह से प्लेन मटेरियल मिलता है। मटेरियल की बात करूँ तो बेंगलोरी सिल्क मटेरियल है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला मटेरियल है। सो, दुपट्टा हमें कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है, प्लेन है पूरा और चारों ओर हमें कुछ इस तरह से बॉर्डर वर्क दिया है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मटेरियल है। सो, मटेरियल ओके ओके लगा है, बट यहाँ पे जो बॉर्डर वर्क दिया है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। सो, मटेरियल की लेंथ की बात करूँ तो पूरे 2 मीटर का दुपट्टा है। सो, बहुत ज़्यादा छोटा दुपट्टा नहीं है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग दुपट्टा भी नहीं है। सो, नेक्स्ट हमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेमी स्टिच लहंगा रिसीव हुआ है कुछ इस तरह से। ये लहंगा स्मॉल टू मीडियम आराम से वेयर कर सकते हो, लार्ज एक्सेल को ये नहीं आएगा। और इसके घेरे की बात करूँ तो नॉर्मल सा घेरा है, सो ये लार्ज को भी नहीं आएगा, एकदम टाइट लगेगा। सो, ये स्मॉल टू मीडियम आराम से स्टिच करवा सकते हैं और घेरा भी अच्छा खासा दिखेगा। सो, पूरे लहंगे पे हमें कुछ इस तरह से थ्रेड का वर्क दिया है, जरी थ्रेड का वर्क है। वर्क की बात करूँ तो वर्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और मटेरियल की बात करूँ तो बेंगलोरी सिल्क मटेरियल है, मटेरियल का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। पर इसके अंदर हमें कोई इनर नहीं दिया है, सो इसके अंदर हमें इनर डालना पड़ेगा, अदरवाइज मटेरियल का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आप इनर और कैनकैन डालोगे तो ये लहंगा बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा स्टिच कराने के बाद। सो, अगर आप स्मॉल टू मीडियम हो तो ये लहंगा परचेस कीजिए, अदरवाइज इसका घेरा इतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल सा घेरा है। बट वर्क की बात करूँ तो वर्क काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। सो, ये लहंगा प्राइस के हिसाब से मुझे एकदम बुरा नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पे हमें तीन चीज़ें मिलती है, सेमी स्टिच लहंगा, अनस्टिच ब्लाउज पीस और दुपट्टा। दुपट्टे का लेंथ भी हमें अच्छा खासा रिसीव होता है, मटेरियल भी ओके ओके है और ब्लाउज पीस भी हमें अच्छा खासा रिसीव हो जाता है। सेमी स्टिच लहंगे की बात करूँ तो लहंगा स्मॉल टू मीडियम को आराम से आ जाएगा और उस पर जो वर्क दिया है वो बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग वाला वर्क है। स्पेशली ये लहंगे का वर्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, एम्ब्रॉयडर वर्क नहीं है, थ्रेड वर्क है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला वर्क है। सो, ये वर्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, बट ये लहंगा स्मॉल टू मीडियम को ही आएगा। नॉर्मल सा घेरा है, इसके अंदर हमें इनर नहीं दिया है, बट इसके अंदर आप इनर डालोगे और कैनकैन लगवा लोगे तो ये लहंगा बहुत ही अच्छा लगेगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।